एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। नरवाना के नागरिक अस्पताल में इस समय है हम, और यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। और भंडारे का आयोजन भी क्यों गया है वो हम आपको बताना चाहेंगे। जो अनुबंधित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है उनका जो ठेका प्रथा थी, जो ठेके पे लिए जाते थे, वो प्रथा है बंद कर दी गई। अब कौशल विकास योजना के तहत इनको लगाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि हमें खुशी की लहर है, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने आज नरवाना के नागरिक अस्पताल में यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया। और ये भंडारे का आयोजन की जो पूरी तस्वीरें है वो भी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर बिंदलेश जी SMO नरवाना है, इनसे बातचीत करेंगे आज इसी विषय के बारे में। नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज पहली बार देख रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में लंगर लगाया जा रहा है, तो ऐसे क्या कारण है इसका, क्या किस प्रकार की खुशी है ये? सबसे पहले बात तो मैं एनजी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नए साल के उपलक्ष्य में जो हमारे हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत जो स्वास्थ्य विभाग में कार्य हमारे कर्मचारी हैं, उन सबने मिल के यह आज भंडारा लगाया है। इनकी खुशी यही है कि जो पहले ये हमारे ठेकेदार के जरिए लगे थे, मगर वो प्रथा खत्म हो गई है और सरकार ने इसको टेकओवर कर लिया है, तो उसके तहत ये खुशी के तहत हमने ये भंडारा लगाया गया। अच्छा जी। मेन मकसद ये है कि एक तो लोगों को नए साल की बधाइयाँ हैं। अच्छा जी। और शुभकामनाएं हैं, और जैसा कि पिछला साल हमारा गया उससे बढ़िया तरीके से हम और आगे जो हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छी भावना से अच्छे तरीके से कर पाएँ। बाकी हमारे जो प्रधान हैं इनके अपने मनीष जी, आपको उसके बारे में बता देंगे। तो टोटल सर यहाँ पर जो कर्मचारी है अनुबंधित है, तो टोटल कितने यहाँ पर कार्य करता है? 127 के करीब जो आज की डेट में हम वर्किंग है। अच्छा। वो बड़े हर ग्रुप में हमारे इसमें अच्छे से कार्य कर रहे हैं और बड़े अच्छे सभ्य तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि आगे भविष्य में भी जो नया साल है इसके अंदर भी ये बड़ा बढ़ चढ़ कर अपना स्वास्थ्य के प्रति जो लोग सेवा लेने आते हैं हॉस्पिटल में अच्छा कार्य करें और मिलजुल कर लोगों को स्वास्थ्य लाभ दें। तो सर एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा, ये तो अलग बात होगी, अपने अगर अस्पताल की बात करें तो क्या कुछ किस प्रकार की मशीनें, किस प्रकार के डॉक्टर और दवाइयों किस प्रकार की कमी है, ताकि जो अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री है उनके संज्ञान में मामला आए। और कहीं ना कहीं मैंने ये मामला जो पहले भी उठाया था, एक बार इंटरव्यू लिया था, तो अभी मैं जब दोबारा जाऊँगा उनके पास तो ये बात मैं दोबारा उठा सकता हूँ नरवाना के लिए। सबसे पहला काम तो जो हॉस्पिटल चलता है और डॉक्टर के सहारे और सब मिलजुल के चलता है। अभी जो बाकी स्टाफ तो हमारा पूरा हो गया है, जिसमें स्टाफ नर्सेज भी काफ़ी तक आ चुकी हैं, हमारे मेडिकल स्टाफ जो है, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और जो आउटसोर्सिंग के जरिए, मगर मेन समस्या ये है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी है। अच्छा जी। जो सिविल हॉस्पिटल में है अभी डॉक्टर्स हमारे इस बार जो है नई अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें 5 डॉक्टर हमारे पास आ चुके हैं, तो उससे हमारा कैजुअल्टी का वर्क और लेबर रूम का काम तो चल गया है। बाकी जहाँ स्पेशलाइज सर्विसेज हैं वो डॉक्टर्स आने के बाद ही चल सकती हैं। मजबूरी में हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हमारे पास नहीं है, जनरल सर्जन भी नहीं है, और गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं है, और एनेस्थेटिस्ट भी नहीं है। मशीनें और इक्विपमेंट की भी कोई ये मशीनें तो तभी है ना, यदि डॉक्टर्स आ जाएंगे तो हम मशीनें जो हैं काफ़ी तक हैं, फिर और आ जाएंगी मशीनें। ऐसी मशीनें भी आई थी भी कि वो मशीनें पैकिंग पड़ी है, अभी तक खोली नहीं गई, क्या वहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर नहीं थे उस मशीन को चलाने? नहीं, वही बात है ना कि हमारे फिजिशियन का होना बहुत जरूरी होता है कैजुअल्टी में, तो जो बाकी मशीनें तो काफ़ी तक यूज़ हो रही हैं, अब वेंटिलेटर है मजबूरी, हमारे एनेस्थेटिस्ट होना जरूरी है, फिजिशियन का होना जरूरी है, तो आने के बाद भी उनका यूज़ तभी है यदि वो लगातार रेगुलर हमारे पास पोस्टेड रहें, तभी हम मशीनों का उसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है। तो अब नरवाना वाले क्या विश्वास करें, जिस प्रकार से पहले की बात करें, अब डॉक्टर आने से पहले तो जैसे कोई भी मरीज आ जाता तो रेफर कर दिया जाता था, क्या अब नरवाना वाले ये सोचे कि अब रेफर इमरजेंसी केस में ही किया जाए? सर्विस में देखो ना, स्पेशलाइज सर्विस के लिए तो रेफर करना ही पड़ेगा जब तक उसको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बेसिक ट्रीटमेंट तो यहाँ काफ़ी हद तक हो रही है, गायनी का भी काम अच्छा, डिलीवरी अच्छी यहाँ में हो रही है हमारे, यदि हम आसपास के एरिया को देखें तो बहुत अच्छा डिलीवरी रेट है हमारा, 200-200 प्लस डिलीवरीज हमारे यहाँ पे होती हैं। और जहाँ तक आँखों का, मैं जैसे स्पेशलिस्ट होने के नाते जितना सर्विस हम दे पा रहे हैं, ऑपरेशन वगैरह यहाँ रूटीन में हो रहे हैं, और कैजुअल्टी की सर्विस हमारे डॉक्टर मोहित हैं, MO इंचार्ज हैं हमारे उसमें, तो वो भी अपना बेस्ट से बेस्ट जो भी है पोस्टमार्टम सर्विसेज, कैजुअल्टी सर्विस बड़ा अच्छा दे पा रहे हैं, मगर वही है कि फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन, एनेस्थेटिस्ट यदि आ जाते हैं तो यहाँ हमें फिर बेड भी ढूंढने पड़ेंगे एक्स्ट्रा लगाने की नौबत आ सकती है। सर ये एक बात, जैसे अल्ट्रासाउंड के लिए
नरवाना से बाहर जाना पड़ता है सरकारी के लिए, टोहाना जाना पड़ता है, नरवाना में नहीं है, तो ऐसे में किस चीज़ की कमी है? क्या तो पहली बात तो रेडियो लिस्ट का होना जरूरी है। यदि रेडियो लिस्ट नहीं आएगा तब तो क्या अल्ट्रासाउंड हो नहीं सकती, चाहे मशीन एक की या दो भी आ जाए तब भी कोई नहीं, रेडियो लिस्ट का होना जरूरी है उसके लिए। तो हम तो बार बार इसमें सरकार को इतला देते रहते हैं कि जैसे कोई रेडियो लिस्ट आए तो सबसे पहले यहाँ पोस्ट किया जाए ताकि अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट और बड़े अच्छे तरीके से। नमस्कार। तो आज सर देखो खुशी की लहर है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हमारे ही भाई है, पहले ठेका प्रथा के थ्रू लिए जाते थे जिससे इनको कई बार सैलरी भी नहीं मिलती थी, शोषण भी लगातार होता था। तो ऐसे में अब कौशल विकास योजना है जो सरकार की एक स्कीम है उसके तहत इन्हें ये रोजगार में डाल दिया गया है, तो इसमें इनमें इनको भी संतुष्टि हुई है, टाइम से सैलरी आ जाती है बिल्कुल, और बेनिफिट है इनका पहले से। और सर क्या कुछ कहना चाहोगे नरवाना की जनता के लिए, जो स्टाफ है उनके कार्य को? स्पेशलिस्ट की कमी है यहाँ पे, वेंटिलेटर हैं उसको चलाने के लिए एनेस्थेटिक चाहिए, फिजिशियन चाहिए वो नहीं है, और अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, और भी स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पे, हड्डियों का डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, काइनी के डॉक्टर नहीं है, तो स्पेशलिस्ट आने से वो रेफरल रेट थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल आ गया है सर। नमस्कार। नमस्ते सर, शुभकामनाएं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। जैसा आज आप देख रहे हैं कि नागरिक अस्पताल नरवाना के अंदर हमारे मानवीय सम्मान के योग्य डॉक्टर देवेंद्र बिंडलिस जी के द्वारा यज्ञ में आयोजक के रूप में इन्होंने यहां पर आहुति डाली, और समस्त नागरिक अस्पताल के कर्मचारी साथियों के द्वारा और पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा यहाँ पर यज्ञ करवाकर और एक वातावरण के शुद्धिकरण के रूप में भी यज्ञ को करवाया जाता है। और देखने में पहले भी यही आता था कि बिना ठेका प्रथा खत्म होने के लिए लगातार अनेक जिलों के ऊपर लगातार प्रदर्शन भी हुए, तो इसका सीधा संजीवनी बूटी हमें भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मिला, और उसी खुशी में आज नागरिक अस्पताल नरवाना के कर्मचारी साथियों के द्वारा यहां पर एक लंगर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर मुख्य रूप से है ना भूखे व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको ना भरपेट भोजन करवा कर, साथ में आज आप देखने को मिल रहा होगा कि भी प्राय भीड़ के स्थानों पर चौराहे पर है ना गरीब व्यक्तियों का ना सर्दी की वजह से ना उनकी मौत हो जाती है, यहाँ पर कर्मचारी साथियों के द्वारा पर्सनली रूप से कलेक्शन करके उनको ना कंबल वितरण किए गए, उनको जैकेट यूज करने के लिए दी गई। तो इसी प्रकार से निगम कर्मचारी साथियों के अंदर एक उत्साह है कि वो भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में और यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ और मुख्य रूप से देवेंद्र बिंडलिस जी के है ना सोर्स के हिसाब से यहाँ पर उन सभी साथियों और डॉक्टरों का सहयोग करके यहाँ पर है ना एक आम जन सेवा में लगातार काम कर रही है। तो सर जिस प्रकार से पहले जो अनुबंधित कर्मचारी है लगातार इस बात के लिए प्रदर्शन करते रहते थे कि उनकी सैलरी उस समय पर नहीं मिलती है, स्वास्थ्य विभाग ही नहीं अनेक डिपार्टमेंट के अंदर एक संजीवनी बूटी का काम आज कर रहा है। देखिए समय समय पर हो सकता है कि भी ना अभी भी उसके अंदर है ना बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है सुधार करने की, लेकिन संगठन और कर्मचारी साथियों के द्वारा है ना एक ज्वाइंट बनाकर अमेंडमेंट किया जा सकता है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो भी सुधार की आवश्यकता रहेगी उसके साथ में लगातार सरकार के साथ में और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में उन सब चीज़ों का संशोधन करवाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी साथियों को उसका लाभ मिल पाए। आप आज भी देख रहे होंगे कि भाई पहले जिन कर्मचारी साथियों को लगातार 6-6 महीने 11 महीने सैलरी नहीं मिलती थी, आज उन सभी कर्मचारी साथियों को महीने के पहले हफ्ते में ही उनको सैलरी दी जा रही है। अभी हम जितने भी यहाँ पर साथी खड़े हुए हैं जो अनुबंधित कर्मचारी है उनसे थोड़ा सा थोड़ा नाम पूछेंगे और थोड़ी एक और बातें पूछेंगे। भाई सब क्या नाम है? नमस्कार जी, सबसे पहले तो एनजी न्यूज़ का धन्यवाद जो आप हमारे बीच पहुँचे। मेरा नाम ओमवीर है। सर हमें आज खुशी है, हमें ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति मिलने से हम हरियाणा कौशल में चले गए। एक तो हमें समय से सैलरी मिलने लगी और एक जो सरकारी छुट्टियां होती थी हमें वो मिलने लगी। पहले ठेकेदार क्या करता था, हमारा शोषण करता था हमें सैलरी के लिए। आपने पहले भी आए हो आप न्यूज़ कवर करने के लिए, 10-10 महीने में सैलरी मिलती थी, अब हमें अब 7 तारीख को टाइम पर सैलरी आती है। ठीक है, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम योगेश शर्मा है। विद्युत कर्मचारी सर। ठीक है, भाई सर। लोकेश बिहार अनुबंधित कर्मचारी। हाँ जी भाई सर। दीपक गिरधर अनुबंधित। सनी नाम है जी मेरा। नाम सुरजीत है जी। ठीक है, और हम भी शुभकामना देना चाहेंगे डॉक्टर साहब को और इनके पूरे स्टाफ को जो आज कौशल विकास में जो अनुबंधित कर्मचारी थे इनको डाला गया है। खुशी है और खुशी के मौके पर हम नए साल की इनको बधाई भी देते हैं और पूरे
प्रदेशवासियों को भी देते हैं। आप एनजी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें नरवाना की किसी भी अपडेट को देखने के लिए। और बहुत ही जल्दी हमारा दूसरा चैनल जो पूरे हरियाणा का इतिहास आपके सामने लेके आएगा, हर गांव का इतिहास आपके सामने लेके आएगा, जल्द ही आने वाला है। फिलहाल एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में दिखाई जा रही है, जहाँ पर अनुबंधित कर्मचारियाँ जो पहले ठेका प्रथा के थ्रू काम करते थे, आज कहीं ना कहीं उनकी जो ठेका प्रथा है वो ख़त्म कर दी गई है और अब कौशल विकास में डाल दिए गए हैं। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।